सनी देओल की फिल्म बॉर्डर बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। ये भारतीय सेना की कहानियों पर बनी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से भी एक है। गदर गदर 2 की तूफानी कामयाबी के बाद अब जब सनी देओल ने बॉर्डर 2 को अनाउंस किया तभी से बॉलीवुड फैंस को इस प्रोजेक्ट का इंतजार बेसब्री से है। और अब इस फिल्म के एक ऐसा एक्टर जुड़ गया है जिसका नाम सुनकर फिल्म के लिए जनता का एक्साइटमेंट डबल हो गया है। इस साल कामयाबी की शानदार फॉर्म में चल रहे दिलजीत दोसांझ अब बॉर्डर 2 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस धमाकेदार प्रोजेक्ट में दिलजीत भी सनी देओल का साथ देंगे। मेकर्स ने शुक्रवार को ही एक नए प्रोमो के साथ बॉर्डर 2 की कास्ट में दिलजीत की एंट्री को अनाउंस किया है। प्रोमो में सोनू निगम की आवाज़ में ओरिजिनल बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं सुनाई देता है और फिर दिलजीत का नाम लिखा आता है। इस प्रोमो में दिलजीत की आवाज में एक देशभक्ति से भरा डायलॉग भी है। इस देश की तरफ उठने वाली हर नजर झुक जाती है खौफ से इन सरहदों पर जब गुरु के बाज पहरा देते हैं। दिलजीत ने भी अपने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 के अनाउंसमेंट शेयर की। उन्होंने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा, पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम। ऐसी पावरफुल टीम के साथ खड़े होकर और हमारे सैनिकों के कदमों पर चलकर सम्मानित महसूस हो रहा है। सनी देओल ने जून में ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर से अपना फौजी किरदार फिर से निभाने के लिए तैयार है और फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। सनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा था, 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा, उसी वादा को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने वो आ रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद मेकर्स ने बॉर्डर 2 की कास्ट अनाउंस करनी शुरू कर दी थी। अभी तक इस फिल्म में सनी देओल के साथ आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का नाम अनाउंस हो चुका है। बॉर्डर 2 अनाउंस करते वक्त मेकर्स ने इसे इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म भी कहा था। कास्टिंग देखकर तो यही लग रहा है कि मेकर्स अपने दावे को पूरा करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 2025 में रिलीज होने वाली है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।